नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल हुआ पेश, जिसमें लिखा पीड़ित कोमा में गई या हुई मौत तो दोषी को 10 दिन में होगी फांसी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आप पार्टी का हो सकता है गठबंधन, राहुल गांधी ने मांगी राय, हुड्डा 3-4 सीटों पर राजी। गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गिरा समुद्र में, 3 क्रू मेंबर्स हुए लापता तो वही एक को बचाया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से हुई 33 लोगों की मौत तो वही रेल सेवाएं प्रभावित, 432 ट्रेनें हुई कैंसिल, 23 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक रहे जारी, कुकी उग्रवादियों ने मेतई इलाके में घरों में गिराए बम, कई लोग हुए घायल। हरियाणा में गोगा मेड़ी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की हुई मौत, ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी, गड्ढे में जाकर पलटा, साथ ही 10 लोग हुए गंभीर घायल। गुरमीत राम रहीम की आज वरनावा आश्रम से सुनारिया जेल में होगी वापसी, पैरोल हुई खत्म। जम्मू कश्मीर जाएंगे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। बात करें आज सोने चांदी के भाव की तो सोने चांदी में रही गिरावट, सोना 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आया तो वही चांदी 401 रुपए हुई सस्ती। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। बता दें दोनों ही पार्टी पहले ही इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जहां कांग्रेस ने 9 और आप ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस 5 सीट जीती थी लेकिन आप कुरुक्षेत्र से हार गई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नेताओं से पूछा कि क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। वहां राय जानने की कोशिश के बाद सीनियर नेताओं का कहना है कि वह नेताओं से बात करें, वहीं गठबंधन संभव है या नहीं और अगर हुआ तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। माना जा रहा है कि गठबंधन हुआ तो सीट बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूला ही अपनाया जा सकता है। इसको लेकर आज शाम को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी मीटिंग में स्थिति साफ हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने और अलग अलग पार्टियों में शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जेजेपी की नीतियां और सोच उनके खुद के लिए ही स्वीकार्य है। लंबे समय से उनके नेता गुठन महसूस कर रहे थे और अब भाजपा में शामिल होकर उन्हें राहत मिली है। सैनी ने कहा कि हमने उनका स्वागत किया है। दरअसल करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के तरावड़ी में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें उन्होंने कांग्रेस और आप के संभावित गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनका गठबंधन पहले भी लोकसभा चुनाव में हुआ था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और आप खुद को ईमानदारी का चेहरा दिखाते हैं लेकिन असलियत में उनका नकाब उतर जाता है और भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। जनता अब इनके झूठों में नहीं फंसने वाली। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 6 दिन चली बैठकों के बाद सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्य की 34 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। दरअसल इनमें 22 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। बता दें स्क्रीनिंग कमेटी ने 49 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा था, जिनमें से 15 नामों पर सहमति नहीं बन पाई और उन्हें मंगलवार को फिर से होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। आपको बता दें मंगलवार को करीब 60 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर चले जाएंगे, जिनके वापस आने पर 6 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी। वहीं कांग्रेस महासचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कहा कि मंगलवार को ही हमारी 90 की 90 सीटें फाइनल हो जाएंगी। बावरिया ने दावा किया कि मंगलवार को 41 सीटों पर चर्चा के बाद सभी 90 सीटों पर टिकट को लेकर सहमति बना ली जाएगी। उन्होंने संभावना जताई कि कांग्रेस के 34 उम्मीदवारों की सूची किसी भी समय जारी हो सकती है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में बगावत शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक रणजीत चौटाला से रानिया विधानसभा हलके के लोग नाराज हैं। इसकी मुख्य वजह उनका रानिया हलका छोड़कर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ना है। दूसरा, जिन लोगों ने 2019 में भाजपा को दरकिनार कर रणजीत चौटाला को वोट दिया था वह भी खासा नाराज है। इसीलिए पार्टी रणजीत चौटाला के नाम पर रिस्क नहीं लेना चाहती। दरअसल हरियाणा में भाजपा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। यहां उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होने की भी चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, भाजपा में ही रहूंगा, भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। बताते चले कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में वह कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश से हार गए। अब उन्होंने दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिस पर वही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि भाजपा हलोपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बात से रणजीत चौटाला नाराज चल रहे हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।